मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी नाटक का सारांश। रजनी नाटक का सारांश में जानेंगे कि इस नाटक में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जान। नाटक का मुख्य पात्र है रजनी और दूसरा पात्र है अमित, जो कि लीलाबेन का बेटा रहता है। वो अपना स्कूल के शिक्षक से ट्यूशन नहीं लेता है, जिसकी वजह से उसके कम नंबर आते हैं, जिसके लिए मतलब स्कूल ट्यूशन के नाम पर होने वाले काले धंधे का भंडाफोड़ किया गया है इस नाटक में। इसका सारांश डिटेल से जानेंगे। तो पहला दृश्य में होता है, जैसे स्थान लीला का घर। रजनी लीलाबेन के घर की घंटी बजाकर लीला से मिलती है, उसे उससे बाजार चलने को कहती है। लीलाबेन बताती है कि आज उसके बेटे अमित का परीक्षा परिणाम आने वाला है, इसीलिए वह घर में रहेगी। रजनी उसे मिठाई तैयार रखने को कहती है, क्योंकि उसका बेटा पास करेगा तो रजनी उसे मिठाई लेगी। तभी अमित घर से आता है, उसके चेहरे पर उदासी है। वह रिपोर्ट कार्ड माँ की तरह फेंकता हुआ शिकायत करता है कि ट्यूशन न करने की वजह से उसका मैथ में केवल 72 अंक है। लीला कहती है कि उसने उत्तर तो सारे ही ठीक थे, उसने घर आकर पापा के सामने सारा सवाल करके दिखाए थे, उसके 95 अंक तो कम से कम आने चाहिए थे। रजनी रिपोर्ट कार्ड देखती है। रजनी जो मुख्य पात्र रहती है, और नाटक का नाम ही रजनी है, जिसके लेखक है मन्नू भंडारी, उसके अन्य विषय में 86, 88, 82, 90 अंक थे। अमित फिर यही कहता है कि सर से ट्यूशन लेने वाले छात्र के अच्छे नंबर आते हैं। लीला उसे अंधार गद्दी कहती है। रजनी अमित से बातों बातों में यह जांचती है कि गलती किसका है। उसे पता चलता है कि मिस्टर पाठक उसे मैथ पढ़ाते हैं, वह हर बच्चे को ट्यूशन पढ़ने का आग्रह करते हैं। अमित ने हाफ ईयरली मतलब सेमेस्टर एग्जाम में उन्होंने 96 अंक लिए थे, फिर उन्हें भी उसे ट्यूशन करने का आग्रह किया था। अमित जिस समय 96 अंक लाए थे मैथ में, पर उसके टीचर उसे ट्यूशन आने का आग्रह किया था। रजनी अमित को कहता है कि वह उसके अध्यापक की बदमाशी है, इसीलिए उसे मम्मी से ट्यूशन करने के लिए लड़ने की बजाय अपने अध्यापक से लड़ना चाहिए। रजनी अमित को कहती है कि वह उसके स्कूल जाकर सर से मिले, जैसे अमित अपने माँ से लड़ता है कि उसका माँ उसके ट्यूशन उसके सर के यहाँ ट्यूशन नहीं भेजा, जिसके कारण उसका नंबर कम आया। लेकिन रजनी कहती है कि उसकी माँ की गलती नहीं है, ये तो सरासर ट्यूशन सर का गलती है, जिसकी वजह से अच्छे लिखने की वजह से भी वह उसके ट्यूशन नहीं गया, जिसके बदौलत उसे कम नंबर मिला। फिर वह रजनी आंटी को रोकती है। लीला भी डरता है कि किस कारण कहीं स्कूल वाले उसे आगे की परेशानी न करें। रजनी उन्हें निडर होने को कहती है और अगले दिन स्कूल जाने का संकल्प लेती है, और इसके लिए इस ट्यूशन मास्टर के विरोध के लिए रजनी और अमित के माँ स्कूल जाती हैं। लेकिन आप स्कूल का दृश्य बात करेंगे दूसरा दृश्य में, स्थान हेडमास्टर का कमरा। रजनी विद्यालय के हेडमास्टर के कमरे में जाती है, वह अमित सक्सेना की मैथ की कॉपी देखने की अनुमति मांगती है। हेडमास्टर कहते हैं यह उनके विद्यालय के नियमों के विरुद्ध है। रजनी बताती है कि अमित पूरे अंक चाहिए थे, परंतु उसके केवल 72 अंक आए। वह केवल देखना चाहती है कि गलती किसकी है। हेडमास्टर फिर भी कॉपी न दिखाने के लिए अड़ते हैं और बच्चों को दोषी करार देते हैं। रजनी फिर अमित के पिछले परिणामों को देखने का तर्क देती है।
उस पर हेडमास्टर नियमों को दोहराई देते हैं। अब रजनी स्कूल के नियमों की धजियां उड़ाने लगती है, कहती है कि अगर वे नियमों को ध्यान रखते तो कोई अध्यापक इस तरह ट्यूशन के लिए दबाव न डालते। हेडमास्टर ट्यूशन को अध्यापक तथा छात्र को आपसी मामला बताते हैं। रजनी हेडमास्टर की धिक्कारती हुई कहती है कि अगर वे ट्यूशन के काले धंधे को नहीं रोक सकते तो कुर्सी छोड़ दें। हेडमास्टर आग बगुला होकर रजनी को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब तीसरा दृश्य है स्थान रजनी का घर। रजनी के पति रवि आते हैं। रजनी उसके लिए चाय लाती है। वह पति को सारी बात बताती है। उस पर रवि उसे समझाता है कि अगर मास्टर लोग ट्यूशन का धंधा करते हैं तो उसमें उसे क्या परेशानी है, उसके बेटे तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं। इस पर रजनी भड़क उठती है। वह कहती है, क्यों अमित के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाना चाहिए? वह अन्याय सहन करने वालों को अन्याय करने वालों से अधिक गुनाहगार कहते हैं। वह पति से कहती है, अमित लीलाबेन और तुम जैसे लोगों के कारण ही इस देश का कुछ नहीं हुआ। अब चौथा दृश्य में होता है स्थान होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का दफ्तर। रजनी डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर रखे बेंच पर प्रतीक्षा कर रही थी। तीन चार लोग और हैं, वे डायरेक्टर से मिलने के लिए अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे थे। रजनी प्रतीक्षा करते करते तंग आ जाती है और बड़बड़ाने लगती है। इतने में एक आदमी चपरासी को 5 रुपया का नोट देता है और डायरेक्टर से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। डायरेक्टर भी अंदर खाली बैठा बस पेपर वेट हिला रहा था। एकाएक रजनी उठती है और धकाती हुई डायरेक्टर के कमरे में पहुंच जाती है। डायरेक्टर उसे घंटी बजाने पर अंदर आने की सीख देती है, पर वह रजनी उसे खरी खोरी सुनाती है। वह उसे जानना चाहती है कि डायरेक्टर ऑफिस के प्राइवेट स्कूल के साथ संबंध कैसा है। डायरेक्टर समझाती है कि वह बोर्ड और स्कूल के संबंधों पर कोई रिपोर्ट लिखने वाले हैं, इसीलिए यह बताती है कि बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को 90% ग्रांट देती है जिसके बदले में ने पर नियंत्रण रखते हैं। वह स्कूल के सिलेबस बनाते हैं, वार्षिक परीक्षा लेते हैं आदि आदि। रजनी डायरेक्टर के सामने प्राइवेट ट्यूशन का मामला उठाती है जिस पर बोर्ड का क्या नियंत्रण है। निदेशक कहता है कि ट्यूशन कोई धंधा नहीं है, जिसका बच्चे कमज़ोर होते हैं वे ट्यूशन लगवाते हैं। अगर कोई ट्यूशन लूट मचा रही है तो बच्चे किसी और अध्यापक के पास ट्यूशन रख लें। रजनी अमित का किस्सा रखते हुए बताती है कि वह बहुत होशियार है, फिर भी उसे ट्यूशन के लिए दबाव दिया जाता है। उसके बात के मानने के कारण उसके अंक केवल 72 आए। निदेशक कहता है कि इस मामले में हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। रजनी कहता है कि हेडमास्टर एक्शन नहीं लेता, तब क्या ट्यूशन की घिनौनी रैकेट चलने दिया जाए। निदेशक कहता है कि हमारे पास पहले ऐसी शिकायत नहीं आई। रजनी कहती है कि क्या शिकायत के बगैर वे इस काले धंधे को नहीं रोक सकते। निदेशक अपनी व्यस्तता का तर्क देता है। रजनी कहती है, ओह मैं अपने पास शिकायत का ढेर लगवाती हूँ। पांचवा दृश्य होता है स्थान अखबार का दफ्तर जिसमें रजनी छपाने जाती है। संपादक रजनी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उन्होंने तो ट्यूशन के विरोध में एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया है। रजनी
कहती है कि अगर समाचार पत्र इस मुद्दे को उठा ले और इस पर चोट करे तो सारा समाज इसके विरोध उठ खड़ा होगा, जिसमें कितने ही अभिभावकों को राहत मिलेगी तथा बच्चों का भविष्य सवर जाएगा। संपादक रजनी से कहती है, रजनी की ऊंची भावनाओं समझाकर साथ देने का वादा करता है संपादक महोदय, जिसमें सारी बात नोट करके एक समाचार भिजवाया। रजनी प्रसन्न होती है, वह बताती है कि 25 तारीख को पेरेंट्स की मीटिंग करने जा रही है, वह इस सूचना को भी समाचार पत्र में छपवा दे। छठा दृश्य है, बैठक होता है पेरेंट्स का। एक हाल में पेरेंट्स की मीटिंग चल रही है, बाहर बैनर लगे हैं कि लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। रजनी उन्हें संबोधित करती है, मानो कि बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी है। उधर अध्यापकों के प्रतिनिधि ने अपनी समस्या रखी है कि उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इसीलिए वह ट्यूशन से गुजारा करती है। इस पर मेरा कहना है कि वे अध्यापक भी संगठित होकर आंदोलन चलाए और अन्याय का पर्दाफाश करें। बच्चों की ट्यूशन के बारे में यह नियम बनाना चाहिए कि स्कूल का कोई अध्यापक अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, जिससे बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती अपने आप बंद हो जाएगी। सभा में उपस्थित लोग इस बात का समर्थन करते हैं और तालियां से गड़गड़ाहट गूंज उठती है। आप सत्वा दृश्य है, रजनी का घर। रजनी के पति अखबार पढ़ते हुए रजनी को बताते हैं कि बोट ने उसकी सारी बातें मान ली है। वे रजनी पर गर्व प्रकट करती है। तभी लीला बेन, कांतिबाई और अमित मिठाई लेकर वहां आते हैं और उसे मिठाई देते हैं। इस प्रकार अमित को न्याय मिल जाता है और ट्यूशन में होने वाली जितनी भी समस्या है ये सारी समस्या का समाधान हो जाता है। और ये कहानी जिसमें रजनी नाटक है, जिसके लेखक हैं मन्नू भंडारी, और ये कहानी आपको क्लास 12 में हिंदी कोर में आ सकती है। और ये कहानी आप रजनी कहानी हिंदी कोर पार्ट 7 में है, क्लास 12, जैकबॉट, रांची, झारखंड में।